आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर। रेवाड़ी नगर परिषद के चुनावों की सरगर्मियां जैसे ही तेज होनी शुरू हुई, वैसे ही चुनावी उम्मीदवारों में वोटर लिस्ट को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। इसी के चलते नगर परिषद के वार्ड नंबर 12 के कुछ मतदाता अपनी आपत्तियों को लेकर उपायुक्त से मिले। जिला सचिवालय में खड़े इन लोगों का कहना है कि उनके वार्ड में मतदाता सूची को लेकर धांधली चल रही है। जो लोग इस बार चुनाव मैदान में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं, उन्हीं के वोट मतदाता सूची में गायब कर दी गई है। उनका आरोप है कि ये राजनीतिक द्वेष के चलते किया गया है, जिसे लेकर उनमें भारी रोष है। हालांकि इस बारे में उन्होंने अधिकारियों से शिकायत भी की है, लेकिन अभी तक कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। यही कारण है कि आज उन्हें मजबूरन उपायुक्त से गुहार लगानी पड़ी, लेकिन उपायुक्त ने भी हाथ खड़े कर दिए और कहा कि वे इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। हमने अपने कॉलोनी से पवन भाई साहब को हमने सोचा था कि अच्छे ये सामाजिक कार्यकर्ता है और इस कॉलोनी में हम भी जब भी बोलते तो काम कराते हैं, तो हमने इनको आगे जो नगर परिषद का वार्ड नंबर 12 से चुनाव हो रहे हैं उसमें इनका हमने नाम नॉमिनेट किया था, लेकिन अभी पता चला कि इनका नाम वोटिंग लिस्ट से काट दिया गया है। क्यों हुआ है अब ये तो प्रशासन जाने, लेकिन हमारा विचार तो ये है कि इनको इलेक्शन फाइट करने से रोकने की पहल साजिश है। मेरे अकेले की जो वोट है वो पॉलिटिकल षड्यंत्र के तहत काटी जा रही है। हमारी 70% कॉलोनी इससे बाहर है, ठीक है जी, और उनमें सभी की वोट बनी हुई है नगर परिषद के अंदर, वार्ड नंबर 12 के अंदर, और आज की कॉलोनी नहीं है, हमारी 20 साल से वोट डालते आ रहे हैं, ठीक है जी। याद और मेरे अकेले को टारगेट बनाया गया है पूरी कॉलोनी के अंदर, या तो कटे तो सबकी कटे, फिर मेरी अकेले की क्यों काटी जाए? तो टारगेट बनाए गए, क्या वजह रही इसके पीछे? वो वजह रही कि हमारी पूरी कॉलोनी ने मेरे ऊपर आशीर्वाद दे दिया कि भाई आप जो है कैंडिडेट हो, पूरी कॉलोनी आपके साथ है, ठीक है सर, इसलिए मेरे को जो है टारगेट बनाया गया। मतलब आपको इलेक्शन फाइट नहीं करवाना चाहते? हाँ, मेरे को ये है कि वो चाहते हैं कि ये इलेक्शन ना लड़े। कौन बना रहा है टारगेट? ये तो देखो कौन बना रहा है, वो तो विपक्षी हैं। वहीं इससे लेकर जब वर्तमान नगर पार्षद से बात की गई तो उन्होंने कहा कि शिकायत करने वालों की वोट गलत कटी है। जिस क्षेत्र की बात की जा रही है वे पहले नगर परिषद से बाहर था, जो कि हाल ही में परिषद क्षेत्र में शामिल हुआ है। अब अधिकारी ही इस पर कुछ कर सकते हैं। ऐसा है कि मेरे संज्ञान में आया है ये कि किसी व्यक्ति ने जो वोट काटी गई है उसमें किसी व्यक्ति ने दरखास्त लगाई है, इंडिविजुअल व्यक्ति ने, और उसकी जांच DRO साहब ने की है। उसके बाद जो भी DC साहब ने फैसला लिया है वो देखो उन्होंने जांच करने के बाद लिया। रेवाड़ी से संजय कौशिक की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।